बुधवार शाम जनपद कासगंज के दरियागंज में चौकी के पास तैनात उप निरीक्षक देवी सिंह ने अपनी सरकार पिस्टल से खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मतिरक के परिवार का मथुरा में सिकंदरपुर के इलाके में रह रहे थे। जब आज मतिरक दरोगा देवी सिंह के शव को घर में पहुँचाया गया तो परिजनों ने आक्रोश में होके और परिजनों ने मतिरक दरोगा देवी के शव को थाना जमुनापुर के इलाके के बलदेव रोड पर रखकर जाम लगा दिया। परिजनों के सीओ पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है तथा साथ ही हत्या का भी, और परिजनों ने लगातार पूरे घटनाक्रम को सीबीआई की जांच मांग रही है। बलदेव रोड पर लंबा जाम होने के बाद परिजनों ने हंगामा के घटनास्थल पर पुलिस आला अधिकारी भी पहुंच गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने परिजनों को समझाया और कार्रवाई का भरोसा दिया है। करीब 3 घंटे के बाद काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने बलदेव रोड को जाम खोला है। परिजनों का कहना है कि उनकी बिना मर्जी के पोस्टमार्टम कर दिया गया है और पुलिस घटना को दबाने के लिए जुटी हुई है। लगातार सीओ 3 दिन से उन्हें टॉर्चर कर रहे थे, उन्हें सुसाइड नहीं उनको मारा गया है। इसे पूरे मामले पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मैं 2:30 बजे बात करी है तो मुझे बारिश आसे पूछिए कि मैं अच्छी तरह रहती रही हूँ। मैंने तो वो माँ लाश दिखाई सीसा के पैर तो मुझे ब्रंच पर माँ को आए न जी देखी गई यहाँ हमारे यहीं तो मुठो उठिया तो दिखा देते गए यहाँ हमारे यहीं न कोई मदद करी वहाँ ठिया ये ऐसी उन्हें मारे यानी कौन मारे में मारे तो मरे हैं वो अपने आप खुद न। अब तुमने जाम लगाया, क्या मांग है तुम्हारी? खासगंज की है, वहाँ पटियाली थाने की, लेकिन जो संज्ञान में आया है कि घटना कल की है और इतना अपराध के लिए घर वालों को और आज बाडी यहाँ आ गई है, लेकिन उसको लेकर के कुछ देर लोगों ने रोड पर जाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन समझाने बुझाने पर लोगों ने तत्काल उसको हटा लिया। इन लोगों को इस तरह एक अनुरोध है, इन्होंने अपना प्रार्थना पत्र दिया है मुझे कि हमारे मामले की तहकीकात जाँच ढंग से करा ली जाए, गंभीरता से करा ली जाए, यहाँ तक कि उस जनपद से ना करा करके कारण से किसी अदर जनपद के अधिकारियों से जांच कराई जाए। मैंने इस एप्लीकेशन को लिया है और इसको मैं उचित माध्यम से निश्चित रूप से मैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ आश्वस्त हूँ कि इसमें गंभीरता से कार्रवाई होती है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन